अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में पीसीआर टेक्नोलॉजी हमने देखा कि किस तरह से यानी जिसे अपने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा था, उस पीसीआर टेक्नोलॉजी में कैसे हम पर्टिकुलर डिज़ायर जीन जो है उसे कैसे अपने होस्ट के अंदर डालकर उसका कैसे क्लोनिंग करते हैं और कैसे उस तरह के कई जीन्स हम हासिल करते हैं, वो पूरा टेक्निक हमने देखा था। डीएनए की एक स्ट्रिप से दो स्ट्रिप्स उसमें कैसी बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें हमारे समझ में आ चुकी है। पीसीआर टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसकी जो मेथड है, मेथड ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है। लॉन्ग आंसर टाइप भी आ सकता है, किसी एक स्टेप्स को पूछा जा सकता। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी बोर्ड एग्जाम में प्लस नीट में दोनों जगह भी इसको बहुत सारा वेटेज है, बहुत बार इसको पूछा जाता है। उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। हम लोगों को एक बात पता है कि जो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म, उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है जिसे हम सेल कहते हैं, ये सबको पता है। ओके, अब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो सेल होता है, हमको दूसरा ये भी पता है कि ये जो सेल है, इस सेल का जो वर्क होता है या इसके अंदर होने वाले टोटल केमिकल रिएक्शंस हैं या इसकी जो भी नियत है, इसकी जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस डिपेंड करते हैं इसके इस न्यूक्लियस में या मरकज़ में मौजूद जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में जो पर्टिकुलर जीन होते हैं, इस पर्टिकुलर जीन के एतबार से यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बनेंगे। ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक चैप्टर में अपने इसको पढ़ा है, और उसके एतबार से ये जो सेल है, ये जो ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है या साख्ती या फाली इकाई हम जिसे कहते हैं, इसके एतबार से ये सारे फंक्शंस होते रहते हैं। अब इस पर जो न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब नाइट्रोजनसाज जो होते हैं, हमको पता है एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल वगैरह, जो भी ठीक है, यानी आरएनए में यूरासिल होगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स, इसकी जो तरतीब है, हमको पता है कि ये तीन तीन की ग्रुप में जो है उसे हम एक पर्टिकुलर जीन कहते हैं, और इस इसके मुताबिक यानी प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन की तालीफ या प्रोटीन की तैयारी का अमल होता है। अब ये सारी चीज़ें हमको मालूम है। यहाँ पर ये जो डीएनए के ऊपर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स की एक तरतीब, अब हमारे समझने के लिए हमको ये समझना है कि डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम जीन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जीन, जो किसी एक पर्टिकुलर एक मखसूस खसूसियात को मुंतकिल करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। अब ये जो जीन है, इस जीन के ऊपर मुनस्सर होगा, इस जीन के ऊपर डिपेंड होगा कि वो किस तरह की यानी नए नस्ल में किस तरह की खसूसियात को मुंतकिल करता है। दूसरी एक चीज़ हमको ये बात पता है कि जो यूकैरियोटिक यानी वाज़े मरकज़ा बरदार जो सेल होते हैं, उनके मरकज़ में सब है, और यहाँ क्रोमोसोम की जो तादाद है वो फिक्स होती है। और दूसरी एक चीज़ हमको पता है, ये क्रोमोसोम्स इस तरह से दो मतलब पेयर में पाए जाते हैं या जोड़ियों में मौजूद होते हैं, और इस पेयर में मौजूद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये जो जीन होगा, यहाँ ये जीन होगा, ये दोनों मिलकर किसी एक मखसूस खसूसियात को मुंतकिल करते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हमको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, समझ में आ गया। दूसरी एक चीज़ हमको याद रखना है कि जो जानदार है, जैसे कोई एक स्पेसीज के जो भी जानदार हो गए, जैसे इंसान है, एक स्पेसीज के एक नू के जानदार पूरे दुनिया में रहने वाले हैं, उनके इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर जो ये जीन की जो तरतीब है ये बिल्कुल फिक्स होती है, और उसी के एतबार से जो खसूसियात जो है तो उसको मुंतकिल किया जाता है। अब अगरचे हम समझ लो फॉर एग्जांपल ये जो भी कोई किसी नंबर का जो जीन होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जानदार का, इस पर मौजूद ये जो जीन है, इस जीन की अगर तरतीब हम बदलते हैं, इस जीन की तरतीब को अगर हम बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो इस तरतीब को हम जब दोबारा रीअरेंज कर रहे हैं या इसे दोबारा से तरतीब दे रहे हैं, तो इस डीएनए को कहा जाएगा आरडीएनए। क्या कहा जाएगा? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट। इसका जो कॉम्बिनेशन है ये हमने दोबारा से किए, ठीक है, माने दोबारा कॉम्बिनेशन यानी उसे तरतीब देना या दोबारा बनाना। तो इस पर ये जो जीन है, इस जीन को दोबारा से अगर हम तरतीब देंगे तो उसे हम रिकॉम्बिनेशन या
उस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए कहेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है यानी ये जो अमल है ये कैसे किया जाता है ये हमको समझना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें याद रखना थी कि इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए क्यों कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसकी जो मेथड है या इसका जो अमल है ये कैसे होता है। पहली बात, ये अमल हम आर्टिफिशियल या मसनवी तरीके से करते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिजम्स। देखिए अब हम आरडीएनए क्यों तैयार कर रहे हैं, इसके पीछे एक मकसद है। हम ये चाहते हैं कि उस जानदार में ऐसे कैरेक्टर्स आए जो हमारे ख्वाहिश के मुताबिक हो, डिज़ायरेबल या डिज़ायर के मुताबिक हो। ठीक है, अब ये डिज़ायर के मुताबिक कैरेक्टर्स कब आएंगे, जब उस तरह के जीन जो हमारे ख्वाहिश के मुताबिक खुशियात को मुंतकिल करते हैं वो जीन इस डीएनए में हम उनको मुंतकिल करेंगे, इस डीएनए के ऊपर उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तब जाकर ये आरडीएनए कहलाएगा। और ये कैरेक्टर्स हम किस तरह से डालते हैं ये सबसे पहले हमको समझना है। कुछ एग्जाम्पल्स पहले मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगी। ख़ास तौर से स्पेशली बहुत सारे पौधे हैं, जैसे फसल के तौर पर बोए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनमें दो चीज़ों को बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाता है। एक पौधे में जो उससे हासिल होने वाला प्रोडक्ट, इसको यील्ड कहा जाता है, यानी ये यील्ड, इसकी पैदावार ये हाई होना चाहिए, हाई यील्ड वाला पौधा होना चाहिए, यानी पैदावार उसकी ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा पौधा रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा होना चाहिए, कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, अब अगर हमको इस तरह का कोई प्लांट, इस तरह का कोई पौधा चाहिए और इसकी एक नई नस्ल हम अगर तैयार करना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हाई यील्ड वाले जो जीन हैं ये और रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा वाले जीन, ये दोनों को उस पौधे के डीएनए के ऊपर, उस पौधे के क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तब जाकर नई नस्ल में ये दोनों खुशियाँ ज़ाहिर होगी। और ये सब करना, इसी को आरडीएनए टेक्नोलॉजी या मेथड ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात, इसकी जो पहली मेथड है, इसकी जो पहली स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए या जीन फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म। अब हमको क्या करना है, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इस एग्जांपल में आप समझ लीजिए कि हमको ये हमारे ये दोनों खसूसियात डिज़ायरेबल है, हमारे ख्वाहिश के मुताबिक है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, एक पौधा ऐसा देखना पड़ेगा जिसमें हाई यील्डिंग हो, दूसरा एक पौधा देखना पड़ेगा जिसमें रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा हो, और इन दो पौधों से इस जीन को या इस डीएनए को वहाँ से निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, इसीलिए इसको कहा गया आइसोलेशन। आइसोलेशन के माने क्या करना, अलग करना, उसको अलायदा अलायदा करना, निकालना। किसे निकाल रहे हैं हम, उस जीन को निकाल रहे हैं जो हाई यील्ड वाले हैं, उस जीन को निकाल रहे जो रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा रखते हैं। मतलब यहाँ इनडायरेक्टली डायरेक्टली उस डीएनए को या उस जीन को हम निकाल रहे हैं जो हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, ये डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स है, यानी हमको जो चाहिए हमारे ख्वाहिश के मुताबिक जो खुशियात चाहिए, वो खसूसियात वाले जीन यानी वो खसूसियात को मुंतकिल करने वाले जीन, उस जीन को हम ले रहे हैं। अब ये जिससे लेंगे, ये पौधा जिससे हम लेंगे, जाहिर सी बात है वो पौधे को क्या कहा जाता है, डोनर, या उसको दाता कहते हैं। यानी सबसे पहली स्टेप जो है इसकी वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे जानदार जिससे हम जीन ले रहे हैं उससे हम डोनर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, उससे जीन को निकालना, उससे जीन को उसके क्रोमोसोम से अलग करना। और ये अलग करने का जो अमल है उसको आइसोलेशन ऑफ डीएनए या आइसोलेशन ऑफ जीन कहा जाता फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिजम्स। तो याद रखिए क्या करना है, पहली स्टेप में क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए या जीन, किससे आइसोलेट कर रहे हैं, किससे अलग कर रहे हैं, डोनर ऑर्गेनिज्म। कौन रहेगा डोनर ऑर्गेनिज्म, डोनर ऑर्गेनिज्म वो रहेगा जिससे हम वो जीन लेना चाहते हैं या जिसके अंदर वो जीन मौजूद है जो हमारे ख्वाहिश के मुताबिक खुशियात मुंतकिल करता है। यहाँ एक ये मैंने एग्जांपल दिया आपको ये समझने के लिए। तो समझ में आ गया हमारे कि हम पहले ये डोनर ऑर्गेनिज्म्स को लेंगे और उसके जीन को वहाँ से क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे। अब हमको पता है, इससे पहले पीसीआर टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझाया कि इसे अलग करने के लिए जो एंजाइम्स, जो खामिरा इस्तेमाल होगा वो होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस, दोनों में से कोई भी, यानी रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम जो है या रेस्ट्रिक्शंस खामिरा जो है यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा, और इसी को जो है ये, इसको हम जेनेटिक सीजर भी कहते हैं। समझ में आ गया। तो पहला काम हमारा ये हुआ
कि हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए को किया या डीएनए को अलग किया या उस जीन को अलग किया, पर्टिकुलर जीन को। उसके बाद इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू वेक्टर। चलिए, वहाँ मैंने जब पीसीआर टेक्नोलॉजी पढ़ाया था तो आपको ये बात बताया था कि इसके जो टूल्स है, इसके जो हथियार है या इसमें इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ उसमें इस्तेमाल होने वाले खामरे एंजाइम्स, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इसको अलग करने के लिए अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, दूसरे जो उसके यानी टूल्स में आएगा वो उसके वेक्टर्स आएंगे। मैंने अभी कहा था आपको कि बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, जैसे ख़ास तौर से वेक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले जो है उसमें प्लास्मिड्स है, बैक्टीरियोफेज है, कॉस्मिड्स है, आर्टिफिशियल बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, बीएसी कहा जाता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वाईएसी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और बहुत सारे लैम्ब्डा, ये जो है लैम्ब्डा फेज जो बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज है वायरस, इसकी एक किस्म है, 322 प्लास्मिड्स है, आर प्लास्मिड, बहुत सारे कई अलग अलग, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादातर प्लास्मिड्स और बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल एज ए वेक्टर किया जाता है। ये क्या होता है हमको मालूम है, फिर भी इसको मुख्तसरन मैं दोहरा रहा हूँ। प्लास्मिड्स हम उसे कहते हैं बैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होगा, बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होगा, इस जेनेटिक मटेरियल, जैसे यूकैरियोटिक है तो इसका न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोकैरियोटिक है तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से यहाँ कहीं ना कहीं इसके कलवी झिल्ली से जुड़ा हुआ जेनेटिक मटेरियल होगा। इस जेनेटिक मटेरियल को छोड़कर यानी इसके अलावा अगर यहाँ जायद ज़्यादा के डीएनए के अगर कुछ सालमात पाए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है प्लास्मिड्स। क्या कहते हैं उनको? प्लास्मिड्स। यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये एक तरह के डीएनए के सालमात होते हैं और ये खलीवी माया में मौजूद होते हैं, जेनेटिक मटेरियल को छोड़कर इनको प्लास्मिड्स कहते हैं। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? बैक्टीरिया में मौजूद जो वायरस, बैक्टीरिया में मौजूद जो वायरस है उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्योंकि आपको बताऊंगा वायरस को अपन तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, तीन तरह से उनको तकसीम करते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियल वायरस, उसी को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, लैम्ब्डा फेज वगैरह वगैरह, ये उसके डिफरेंट नाम है। तो चलिए, यहाँ पर एज ए वेक्टर हमने जैसे या तो प्लास्मिड्स को लिया या बैक्टीरियोफेज के लिया, सबसे पहले हमने क्या किया था, इस जीन को, कोई भी एक पर्टिकुलर जीन है, जैसे इस पर्टिकुलर जीन को जो एक हमारे डिज़ायरेबल खसूसियात को मुंतकिल करता है, जैसे इसको हमने आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया। अभी अलग करने के बाद फिर क्या करना है हमको, इस प्लास्मिड्स में, ये प्लास्मिड्स है, इस प्लास्मिड्स में उसको जोड़ना है। मतलब यहाँ हम बोल ही रहे इंसर्शन ऑफ डिज़ायरेबल डीएनए या डिज़ायर डीएनए या डिज़ायर जीन इनटू वेक्टर। वेक्टर क्या होगा हमारे पास? प्लास्मिड्स होगा, बैक्टीरियोफेज होगा। तो समझ लीजिए ये डीएनए का एक छोटा सा सालमा है जिसको अपन प्लास्मिड्स कह रहे हैं, ठीक है। अब ये प्लास्मिड्स में हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास डिजायरेबल जीन है जो हमने कहाँ से लिए थे, इस डोनर ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास। अब इसे क्या कर रहे हैं हम, इस वेक्टर के अंदर यहाँ पर हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं, यानी इसका इंसर्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर कुछ एंजाइम्स इस्तेमाल हो गए, यहाँ पहले इसको कट करने के लिए जाहिर सी बात है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल होगा, इसको जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल होगा। अब ये यहाँ अपने इसको जोड़ दिए, तो अब ये जो प्लास्मिड है, ये प्लास्मिड किस तरह का है, यहाँ पर ये जीन या यहाँ पर ये डीएनए कौन सा मौजूद है जो हमने कहाँ से लिए, ये डोनर ऑर्गेनिज्म से लिए, और वो उस खसूसियात को मुंतकिल करता है जो डिज़ायरेबल खसूसियात है, जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक खसूसियात या जो हमको चाहिए वो खसूसियात मुंतकिल करता है। अब यहाँ पर देखिए ये इसका इंसर्शन हो गया, अब समझ में आ गया। अब क्या करना है इसको, ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट, हमको क्या करना है इस यानी मतलब अब ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, यानी यहाँ इसको दोबारा तरतीब दी गई, इससे हम किसी मेज़बान कलिए में या मेज़बान जानदार में जो है हम इसको क्या करेंगे, इसको मुंतकिल करेंगे। इसके लिए हमको एक सिलेक्शन ऑफ होस्ट, एक होस्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ख़ास तौर से इसमें जो बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये प्लास्मिड्स हो या बैक्टीरियोफेज है, इसे दोनों में से जिसमें हम इस डिज़ायरेबल जीन को ज्वाइन कर रहे हैं उससे उसको मुंतकिल करना है। एग्रोबैक्टीरियम जो है
एग्रोबैक्टीरियम ह्यूमिफिकन्स एक बैक्टीरिया का नाम है जो प्लांट के अंदर खासतौर से स्पेशली ये एज ए होस्ट इस्तेमाल करता है। बहुत बार इसको पूछा जाता है। क्रॉन बॉल एक डिसीज़ होता है उस एग्रोबैक्टीरियम की वजह से होता है, इसको भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिए। चलिए, तो यहाँ पर ई कोलाय या एग्रोबैक्टीरियम ह्यूमिफिकन्स नाम का एक बैक्टीरिया जो है, जो प्लांट में खास तौर से एज ए होस्ट इस्तेमाल करते हैं, उस होस्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले उस खलिए में या उस सेल में या उस बैक्टीरिया में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ई कोलाय बैक्टीरिया है, इस ई कोलाय बैक्टीरिया में हम क्या कर रहे हैं, इस प्लास्मिड्स को, समझ में आ गया, या बैक्टीरियोफेज को यहाँ पर ट्रांसफर कर दे रहे। ये कैसा है, यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट वाला है, यानी यहाँ पर हमने क्या किए, इस जीन को इंसर्ट किए, इस जीन को यहाँ पर मुंतकिल किए जो हमारे ख्वाहिश के मुताबिक खसूसियात मुंतकिल करता है ये यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी पहले क्या हुआ, हमने उसको आइसोलेट किए कहाँ से, डोनर ऑर्गेनिज्म से, फिर इसको इंसर्शन किए, कहाँ पर इंसर्शन किए, वेक्टर में इंसर्शन किए, यानी एक सवारी के तौर पर ये हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है, फिर इसको ट्रांसफ़र किए, किस में किए, होस्ट में, और कैसे, कौन से होस्ट में किए, उसका सिलेक्शन किए, चाहे ई कोलाय बैक्टीरिया हो या एग्रोबैक्टीरियम ह्यूमिफिकन्स, ये दोनों में से कोई ना कोई एक प्लांट में ज़्यादातर एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल होता है। अब ई कोलाय में यहाँ पर अपने उसको क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कई सेल इसके बहुत कम वक्त में बनेंगे, सिंपल चीज़ है, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, और लाइफ स्पैन छोटा होने से कई सेल इस तरह के ये ई कोलाई के या एग्रोबैक्टीरियम के इस तरह से बनेंगे। अब जब इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई होकर कई सेल्स हमारे पास जब बन रहे हैं, तो ये जो कई सेल्स जो बन रहे हैं, ये कई सेल में साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ ये जो प्लास्मिड्स था या बैक्टीरियोफेज था, दोनों में से कोई एक जिसको हमने वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करे, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। और सिंपल चीज़ है, क्या होने वाला, ये सेल, ये खलिया या ये बैक्टीरिया, इकोला बैक्टीरिया जितने बार मल्टीप्लाई होगा, उतने बार साथ ही साथ उसमें मौजूद ये प्लास्मिड्स ये भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमको पता है कि डीएनए में डुप्लीकेशन की सलाहियत होती है, डीएनए में डुप्लीकेट होता है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर ये सब जगह ये प्लास्मिड्स हमको मिलेगा। अब प्लास्मिड जो मिल रहा है हमारे पास, जैसे क्या हो रहा है, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन ऑफ होस्ट सेल हो रहा है, तो यहाँ पर ये प्लास्मिड्स जो हमारे पास मिल रहा है, इस प्लास्मिड्स में ये जो डिज़ायर जीन है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी इस तरह से हमको इस कई जीन्स, या जिसको अपने एक तरह से क्लोनिंग कह सकते हैं इसका, ये कई जीन्स हमारे पास, ये डिज़ायरेबल जीन हमको अब मिलेंगे। अब डिज़ायरेबल जीन हमको मिल तो गए, अब ये मिलने के बाद हमको क्या करना है, इसकी जो लास्ट स्टेप्स है उसका एक्सप्रेशन करना है, उसको जाहिर करना है। कहाँ जाहिर करेंगे हम, ऑब्टेनिंग फॉर प्रोडक्ट, यानी वो चीज़ हासिल करने के लिए जिसके लिए हमने सब कुछ किया, आर डी एन ए जो है या रिकॉम्बिनेंट डी एन ए हमने क्यों किया, क्योंकि हमको वो प्रोडक्ट चाहिए, वो चीज़ चाहिए जो हमारे डिज़ायरेबल है, हमारे ख्वाहिश के मुताबिक है, और ये डिज़ायरेबल जीन के ज़रिए हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उसको यानी जाहिर करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर बहुत सारे ऐसे कई प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट इंसानों में जो इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयाँ या कई बीमारियों की रोकथाम में इस्तेमाल होते हैं, कई ऐसे प्रोटीन्स हैं, कई ऐसे एंजाइम्स हैं, समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आपको, जैसे इंसुलिन है, हमको पता है कि इंसुलिन ये एक इस तरह का हार्मोन, इस तरह का महरकाव है, जो प्रोटीन है, एक तरह का प्रोटीन है, जो क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर पर काबू रखता है। अब अगर ये इंसुलिन जो है ये पैंक्रियास फॉर्म करता है, आपको पता है कि वहाँ पर जो है जो सेल बीटा सेल होते हैं स्पेशली, वो बीटा सेल जो है वो उसको फॉर्म करते हैं, हमने इसको एक जगह पढ़ा है। अब ये इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर फॉर्म नहीं हो रहा तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से, चाहे टैबलेट्स की शक्ल में हो चाहे इंजेक्शन की शक्ल में उसको लेंगे। अब इसको अगर हमको तैयार करना है तो फिर ये बहुत सिंपल सा मेथड है कि इस आर डी एन ए टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस जीन को निकालना जो इंसुलिन को फॉर्म करता है, और उस जीन को निकालने के बाद इससे सबसे पहले क्या करेंगे, डोनर से हम इसको निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको इस वेक्टर में ट्रांसफ़र कर देंगे। वेक्टर में ट्रांसफ़र करने के बाद एक होस्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, इस होस्ट सेल सेल के अंदर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, इस होस्ट सेल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
जितने बार ये होस्ट सेल मल्टीप्लाई होगा उतने बार ये जीन भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे बहुत सारे जीन हमको मिलेंगे और उस जीन को हम क्या करेंगे वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ उसका हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं या जहाँ हम इंसुलिन को फॉर्म करते हैं। ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इस तरह से ये आर डी एन ए टेक्नोलॉजी जो है, ये आर डी एन ए टेक्नोलॉजी का ये पूरा प्रोसेस है। तो याद रहेंगे सबको आर डी एन ए टेक्नोलॉजी में हमको कौन सी चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ब्लैकबोर्ड पे लिखे हुए सभी स्टेप्स आप उसके साथ शॉर्ट में मुख्तसर और बाद में डिटेल आप उसको यानी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले पहली स्टेप इसकी है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ जीन। कौन से जीन को आइसोलेशन करना है, जो डोनर ऑर्गेनिज्म से हम लेते हैं, पहली बात। चलिए यानी ये स्टेप्स में हमने वो कर दिया। फिर क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है। कहाँ करना है इंसर्ट, एक वेक्टर के अंदर, एक सवारी के अंदर। कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, मैंने आपको ये दो नाम दिया, ज़्यादातर ये दोनों का इस्तेमाल होता है, प्लास्मिड्स या बैक्टीरियोफेज। प्लास्मिड्स और बैक्टीरियोफेज हम उसे कहते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले वायरस है, उसमें हमने उनको इंसर्ट कर दिया। फिर क्या करना है, एक होस्ट सेल को सिलेक्ट करना है। मैंने आपको बता दिया दो होस्ट सेल के नाम याद रखो, अक्सर इसको इस्तेमाल में लाया था या तो ई कोलाई बैक्टीरिया या एग्रो बैक्टीरियम ह्यूमिफिकन्स, एक बैक्टीरिया जो प्लांट में इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों में सिलेक्ट करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, ये प्लास्मिड्स या बैक्टीरियोफेज को ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी इसको ट्रांसफ़र कर दिए। फिर उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो होस्ट है, यानी यहाँ होस्ट को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब ये सेल को, कौन से सेल को, ई कोलाई बैक्टीरिया को या एग्रो बैक्टीरियम को मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक खलवी जानदार है, उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से होगा और एक से कई बहुत जल्द बनेंगे। अब ये सिर्फ सेल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, साथ ही साथ ये जो हमारे पास प्लास्मिड्स था जिसमें हमने डिज़ायरेबल जीन को डाले थे, वो डिज़ायरेबल जीन भी मल्टीप्लाई होगा और ऐसे कई जीन हमारे पास हासिल होगी जो हमारे डिज़ायरेबल है, हमारे ख्वाहिश के मुताबिक खुशियात को मुंतकिल करते हैं। अब इस जीन को हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए हमने पूरा अमल किया, पूरा आर डी एन ए टेक्नोलॉजी को किया, और इस अमल के ज़रिए बहुत सारे कई प्रोडक्ट जो है तो यहाँ हम तैयार करते हैं। इसके एप्लीकेशंस में, यानी बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस बोल सकते हैं उसको, या आरडीएनए टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस कह सकते हैं, पीसीआर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, सभी के एक जैसे रहेंगे क्योंकि ये उसकी बेसिक चीज़ें हैं। तो ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है उसमें इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये सारी प्रोसेस आप याद रखिए, यहाँ एक डायग्राम आप इसकी बना सकते हैं कि किस तरह से डोनर डीएनए को अलग करना है और कैसे उसको हो मैंने प्लास्मिड्स के अंदर या जिसे अपन कह रहे हैं वेक्टर के अंदर उसको कैसे इंसर्ट करना है, कैसे फिर होस्ट सेल में उसको इंसर्ट करना है, कैसे होस्ट सेल मल्टीप्लाई हो गए। तो इसको अगर अपन डायग्रामेटिक बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक जैसे ये आपको डोनर सेल या डोनर ऑर्गेनिज्म बताना होगा, यहाँ से आपको इसको आइसोलेटेड करना है जीन को या डीएनए को, या आइसोलेशन बताना होगा, या आइसोलेशन के बाद इसको इंसर्शन करना है प्लास्मिड्स में, जैसे मैंने यहाँ बनाया था, आपको बताया था ये प्लास्मिड्स है और यहाँ जो है, यहाँ इस जीन को जो अपने आइसोलेट किए थे इसको यहाँ इंसर्ट करता हुआ किसी एक जगह बता दीजिए। ये इंसर्ट करने के बाद इसे अपन इंसर्ट करेंगे होस्ट सेल के अंदर या ई कोलाई बैक्टीरिया में, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये प्लास्मिड्स के साथ ये अपने उसको इंसर्ट कर दिए। ये इंसर्ट करने के बाद फिर क्या होगा, इस होस्ट सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, ने कई ऐसे ये सेल बनेंगे, यहाँ अपन ऐसा बता सकते हैं इसको, ठीक है, ये बनेंगे। इसके साथ साथ जो है ये प्लास्मिड भी डुप्लीकेट हो जाएगा, ये प्लास्मिड डुप्लीकेट होगा, इसको यहाँ से अपन फिर आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे और वहाँ जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को तैयार करने में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ये आर डी एन ए टेक्नोलॉजी को ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए आप बता सकते हैं, ये स्टेप वाइज उसको लिख सकते हैं। बहुत बार इस पर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो बहुत ही आसान मेथड है, सिर्फ इसके जो स्टेप्स है इसको याद कर लीजिए। इसके बाद इसके जो एप्लीकेशंस है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो उसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक चार्ट जो है वो आपके सामने रहेगा, इस चार्ट में कुछ जो प्रोडक्ट है, बहुत बार इसको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, स्पेशली इंसान में जो बहुत सारी इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार की जाने वाले कुछ दवाइयाँ, कुछ प्रोटीन्स हम कह सकते हैं, कुछ एंजाइम्स है जो मुख्तलिफ किस्म के दवाइयों पर
दवाएं की रोकथाम उसके मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की रोकथाम करते हैं या मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों पर दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आपके सामने एक चार्ट है, इस चार्ट में देखिए एक तरफ डिसऑर्डर या डिसीजेस है, ठीक है, और एक तरफ डिसऑर्डर डिसीजेस और दूसरी तरफ दूसरी जानिब जो है उसके रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट के नाम है, ठीक है। तो पहला जो है एनीमिया या डिसीज के बारे में, और अक्सर इसमें तकरीबन 11 डिसीजेस के नाम हैं। इस 11 डिसीजेस के डिफरेंट टाइप्स के ये जो प्रोडक्ट है यानी उसकी रोकथाम में इस्तेमाल वाले इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम उसकी दवाइयाँ कह सकते हैं, इसको बहुत बार कई बार इसको पूछा जाता है। और ये सब के सब इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार किए गए हैं, ये मसनवी तरीके से तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो है एनीमिया या डिसीज़, हमको पता है एनीमिया हम किसे कहते हैं, जहाँ हीमोग्लोबिन अगर कम हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके, अब यहाँ उसको डिटेल देखना नहीं हमको, तो उसे हम एनीमिया या डिसीज़ कहते हैं। इसको एरेथ्रोपोएटिन नाम का एक एंजाइम यहाँ तैयार किया जाता है, एक प्रोडक्ट होता है, एक किस्म का प्रोटीन है, वो इस एनीमिया की रोकथाम में इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके सामने है। दूसरा अस्थमा, यू नो ये एक लंग्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक में होने वाला एक डिसीज़ है, जिसको आमतौर पर जो है तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसको हम अस्थमा कहते हैं, दमा कहा जाता है उसको आम जुबान में। वो अस्थमा में जो है वो इंटरल्यूकिन फर्स्ट या इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिसेप्टर ऐसा नाम का एक एंजाइम यहाँ इस्तेमाल होता है। उसके बाद में एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है तो ब्लड वेसल्स की जो वो है कुत्र है यानी उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, उस डिसीज को कहा जाता है। उसमें प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, खासतौर से ग्रोथ फैक्टर नाम याद रखिए, ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद में पार्चुलेशन जो है जिसको हम बच्चे की पैदाइश कहा जा कह सकते हैं, विलादत कहते हैं, तो बच्चे के पैदा होने के दौरान एक एंजाइम जो खारिज किया जाता है, सॉरी एक हार्मोन है जो खारिज किया जाता है, इसको रिलैक्सिन कहते हैं। वो रिलैक्सिन खासतौर से पार्चुलेशन के दौरान आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है रिलैक्सिन। उसके बाद में ब्लड क्लॉट, खून का जो इंतजाम, खून का जो जमा होने का अमल है, उसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजिन नाम का एक प्रोटीन यूज होता है, एक्टिव वेक्टर होता है टीपीए उसे कहा जाता है, यूरोकाइनेज होता है, ये दो तीन जो एंजाइम्स है ये सभी के सभी जो है तो ये इस मेथड के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। कैंसर हमको पता है कि एक बहुत यानी जिसे कहेंगे बड़े पैमाने पर होने वाला एक डिसीज़ है और इससे कई लोगों की जाने जाती है, इस कैंसर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं जो इसके ज़रिए तैयार की जाती है वो है इंटरफेरॉन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटर ल्यूकोकिंस, मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर, ऐसे डिफरेंट दवाइयाँ, मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ ये जो है इसी मेथड के ज़रिए तैयार की जाती है। डायबिटीज़ आपको पता है बहुत ही कॉमन डिसीज़ है जिसको शुगर की बीमारी हम कहते हैं, इसलिए इस्तेमाल होने वाला इंसुलिन ये इसी के ज़रिए तैयार किया जाता है। उसके बाद में एम्फिसिमो, उसमें एक एंटी ट्रिप्सिन नाम की एक दवाई तैयार होती है। हीमोफीलिया आपको पता है कि खून का इंतजाम नहीं होना, उस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं, दो तरह का होता है हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, एक में फैक्टर 8th और एक में फैक्टर 9th, हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8th और हीमोफीलिया 9 में फैक्टर 9th इस्तेमाल होता है। उसके बाद में हेपेटाइटिस, यू नो आप जिसे अपन जॉइंटिस कहते हैं, जिसे पीलिया कहा जाता है, इसमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यानी उसका जो टीका तैयार किया जाता है वो इसी मेथड के ज़रिए तैयार किया जाता है। तो ये जो पूरा चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम के अगर पुराने पेपर्स आप देखोगे तो इस चार्ट्स में से कोई ना कोई किसी न किसी ये एंजाइम्स का, ये दवाइयों का इस्तेमाल या इसकी बीमारी का नाम आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी और इसके जो प्रोडक्ट है कुछ, इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, इसके अप्लीकेशंस वन बाय वन यानी बहुत सारी जगह, जैसे ह्यूमन हेल्थ में इसका इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल होता है, जो जैसे जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें जेनेटिक मॉडिफाइंग प्लांट्स है, जेनेटिक मॉडिफाइंग एनिमल्स है, जैसे दूध वगैरह देने वाले जानदार वगैरह, ये इनमें इस्तेमाल होता है। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपन उसको देखेंगे वन बाय वन। यहाँ इतना याद रखिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, और ये सामने जो चार्ट मैंने आपको डाला हूँ
ये चार्ट्स के अंदर पाए जाने वाले तमाम मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ और उस कौन से डिसीजेज़ पे उसका इस्तेमाल होता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।